हेलो एवरीवन, आज भयानक रस के उदाहरण देख रहे हैं। तो इसका उदाहरण जो है, पहला उदाहरण इस प्रकार है। इसमें अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले बयाल, केंचुली काश शिबार। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको दिख जाएगा, नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर हड्डियों का जो उभार है वो कंकाल जो है वो भी भयानकता को बता रहे हैं, काले जो हैं ये भी भयानकता को बताया जा रहा है, केंचुली जो होती है सांप की केंचुली, सिबार यानी काई, यानी ये सारे शब्द जो हैं किसको व्यक्त करते हैं, सभी भयानक रस को उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि जिन पंक्तियों में डर उत्पन्न हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो डरावने जो शब्दों का प्रयोग जिन पंक्तियों में होता है उसमें भयानक रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही, बीच ही पद्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर सांप की बात की गई है, अजगर की बात की गई है, और दूसरा मूर्छा यानी मूर्छित हो जाएं जिस चीज़ से। तो ये दोनों ही शब्द भयानकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। यही पहचान होती है किसी भी जो छंद या दोहा है उसमें कौन सा रस है इसकी। तो शब्दों से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आप दो मुख्य शब्द देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। विकल शब्द भी व्याकुलता होती है, यानी कि भयानकता से ही व्याकुलता उत्पन्न होती है। किसी चीज़ से जब भय लगता है तो उसमें भयानक रस होता है। चिंघाड़ भगाप है ऐसे ही हाथी। अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए चिंघाड़ भगाप है ऐसे ही हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लगया फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा। यानी कि यहाँ पर भी भयानकता है क्योंकि हाथी क्या कर रहा है, चिंघाड़ रहा है। तो हाथी के चिंघाड़ने से कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, भयानक रस उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए, कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उतान गिरा, रण बीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा। तो कोई व्यक्ति जो है औंधे मुँह गिर गया, युद्ध की बात चल रही है तो युद्ध की भयानकता का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भीषणता शब्द आप देखिए खुद ही भयानकता को बता रहा है। और लड़ते लड़ते यानी लड़ाई चल रही है तो मुख्य रूप से भयानक रस जो है यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जो शब्द भयानकता को प्रदर्शित करते हों, जिन शब्दों से हमें हमारे सामने एक चित्र सा बन जाता हो भय का या डर का, उन सभी में कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। यही इसकी पहचान होती है। अगर आप ये सिंपल सी एक जो थोड़ा अर्थ पे ध्यान दे देंगे ना, अगर कोई भी पंक्तियाँ आपको एग्जाम में दी गई हैं मान लीजिए कोई भी, तो उसका थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए कि इसके अर्थ में किस प्रकार की भावना हमारे मन में आ रही है। जैसे ही आपको थोड़ी डरावने शब्द दिख जाएंगे तो आप पहचान लीजिए कि ये भयानक रस है। आज के लिए बस इतना ही, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।